और भाई एडवांस में मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और भाई पहुंच चुके हैं प्रकाशा, और भाई हमारी सुनी है लग रहा, कुछ खड्डे वड्डे भर दिए हैं भाई यहाँ पे रोड पे दिख रहे आज तो, काफी खड्डे हो रखे थे भाई इस रोड पे। मैंने दो तीन ब्लॉग में पहले भी आपको बताया ही था इस रोड के बारे में कि भयंकर खड्डे हो रखे भाई, एक खड्डा बचाओ तो दूसरा कूद जा रही है। लेकिन अभी कुछ सुधार कर दिया भाई, खड्डे वड्डे कम से कम भर दिए है, तो चलो कोई बात नहीं भाई, इतने में भी हम खुश है भाई, गाड़ी वाले इतने में भी खुश है ड्राइवर। तो व्यू देखो भाई बाहर का, गाइस अपने साथ पंगा ये हो गया कि भाई अपना एक कंडक्टर साइड का अंदर वाला टायर पंचर हो गया भाई, तो ये रहा टायर बनाने के लिए ले आए हैं। तो गाड़ी अपने की भाई उधर साइड में हो रही है, तो हम अभी पहुंचे फिलहाल में शहादा के आगे, खेतिया शहादा के बीच में, तो बनवाते भाई अपना टायर वायर, फिर करते आप लोगों से बातें। तो भाई टायर वायर कसना भी हो गया, जेक वेक भी उतार लिया, तो ये वाला अंदर वाला टायर पंचर हुआ था भाई, तो जेक वेक उतार लिया। और भाई हर ट्रिप में कोई ना कोई साथ में आ जाता है यार, देखो अभी दो गाड़ी और आ गई यहाँ से, तो इधर है अखिलेश भाई ये रहे, और उधर अपने भाई बबलू भाई के भाई और मनसाराम भाई। तो गाड़ी इनकी बताता हूँ, ये रही 2541, तो ये शहादा से खाली करके वापस घर जा रहे हैं क्योंकि भाई दिवाली की छुट्टी है। और ये रही अपने 5747 अखिलेश भाई वाली गाड़ी, तो ये जा रहा है भाई शहादा, तो अभी खाली करेगा फिर वापस गाड़ी लेके आ जाएगा क्योंकि भाई अभी छुट्टी चल रही ना, क्योंकि भाई अभी दिवाली की छुट्टी आ गई है, तो गाड़ी तो लोड होना नहीं है और उसके बाद लोड भी नहीं करेंगे भाई, दिवाली मनाएंगे सारे भाई लोग, क्यों दिवाली मनाएंगे ना सब। चलो पटाखे फोड़ना घर जाके आराम से दिवाली मनाओ, है ना, चलो ठीक है। टायर वायर सारा फिट करना हो गया और अखिलेश भाई को भी कर दिया बाय बाय। अखिलेश भाई इंदौर से भर के आया है माल शहादा के लिए, तो खाली करेगा और वो भी वापस घर आ जाएगा। और अपना मनसाराम भाई शहादा ही खाली कर रहा था, वो तो गाड़ी अपनी गाड़ी के पीछे पीछे लेके आ रहा है, वो भी घर ही जा रहा है क्योंकि भाई अभी दिवाली की छुट्टी लग गई है ना और सबको दिवाली भी मनाना है ना भाई, इसीलिए। तो फिलहाल में अभी पहुंचे है भाई हम शहादा से थोड़ा सा आगे, तो जो डैम पड़ता है भाई इस रोड से, कोई भाई ट्रक वाले अपने ड्राइवर भाई आए होंगे, उन्हें तो पता ही होगा ये वाला रोड जो खटारा रोड है भाई, पूरा टूटा फूटा भंगार रोड। और इधर है भाई तालाब, और तालाब का पानी देख सकते हैं भाई, पूरा तालाब फुल भरा हुआ है और सारा तालाब का पानी इस साइड में आया हुआ है, ये देखो। आगे मैं बताता हूँ आपको, मैं रोड पे आ रखा भाई पानी, और रोड देखो भाई कितना खराब है यार, मतलब ऐसा खड्डे हो रखे है। ये कल मैं जब इधर से गया था, मतलब कल नहीं परसों के दिन जब हम गए थे ना, तो भाई इतने ऊंडे ऊंडे खड्डे हो रखे थे, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया था भाई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी ले गए थे हम। तो यहाँ पे अभी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत डाल दी है भाई, भयंकर खड्डे हो गए थे, देखो वहाँ पे कोई गाड़ी फंसी हुई होगी, फंस गई होगी। ये देखो भाई पानी कितना रोड पे आ चुका भाई, ये देखो इस साइड में पानी हल्का सा आया है, और अगर भाई थोड़ा सा पानी और बढ़ा तो ये सारा पानी रोड पे आ जाएगा और रोड हो जाएगा भाई, धस जाएगा पूरा। देखो भाई कितना रोड खराब है, ये देखो पानी कितना पास में है, ये पानी अगर रोड पे आ गया भाई तो रोड की हालत खराब हो जाएगी। ये पानी की वजह से ये रोड खराब हुआ है क्योंकि भाई नीचे इसमें रोड के नीचे मॉइस्चर आ गया है, तो उसी की वजह से भाई गाड़ियां चल रही है तो ये रोड नीचे दबते जा रहा है, और पानी का लेवल और रोड का लेवल मतलब सेम ही हो रहा है भाई। अगर एक बार और बारिश हुई ना भाई तो ये पानी रोड पे जरूर आ जाएगा। पपीता इस साइड में, बस अभी एक महीने के अंदर चालू होने वाली है पपीता, तो फिर चलेंगे भाई यूपी बिहार जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा जहाँ के भी माल, ऑल इंडिया का माल चलता है भाई यहाँ से पपीता।
और केले तो भाई अभी चल रहे पर फिर भी कम है, एंडिंग पे है केले अभी। तो काफी खेती होती है इधर केले की, पपीता की। तो गाइस पहुंच चुके हैं खेतिया और दिन के बजरी भाई एक। तो ये रहा भाई खेतिया मार्केट। तो बस थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आधा खेतिया भाई खेतिया शहर, आधा महाराष्ट्र में, आधा एमपी में है भाई। तो भाई ट्रैफिक है और रास्ते छोटे छोटे हैं तो साइड बताना पड़ेगा अपना अनिल भाई को। चलो भाई चलो चलो, जान दो। तो भाई इस जगह से, यहाँ से महाराष्ट्र खत्म, एमपी चालू भाई आराम से। चलो भाई चलो, बस ये वाला ब्रिज है भाई, आधा एमपी में और आधा महाराष्ट्र में। तो अभी इंटर हो चुके हैं हम एमपी में भाई, पता भी नहीं चल रहा ना कि एमपी में आ गए। आ गए भाई एमपी में। हाँ तो भाई मार्केट देख सकते हो, दिवाली है ना भाई, तो इसीलिए मार्केट खचाखच भरा हुआ भाई। इस साइड में भी काफी मार्केट लगा हुआ है और आगे भी देख सकते हो भाई आराम से भाई। चलो भाई चलो चलो चलो, आराम आराम से चलने तो निकालो। तो भाई मार्केट में से ही निकलती है गाड़ी यहाँ से, दूसरा रास्ता नहीं भाई। तो एक रास्ता उस साइड में है, वो आने का है गाड़ी का और ये जाने का है भाई। तो भाई आ गए मनसाराम भाई की गाड़ी में और इधर अपना बबलू भैया चला रहा है गाड़ी। तो बबलू भैया चला रहा है इधर गाड़ी, जैसे कितनी सजा रखी गाड़ी को, बेस्ट और मस्त बना रखी गाड़ी, सजा सजा के एक नंबर। तो भाई अपनी रोजी रोटी है, सजाना चाहिए गाड़ी को और अच्छी साफ सुथरी रखो। तो शौक है भाई अपने अपने। तो अपनी 94 भाई चल रही है आगे आगे। और भाई व्यू देखो बाहर का भाई, नजारा कितना सुपर है। तो आ चुके भाई निवाली के पास में जंगल में, तो काफी बेस्ट व्यू है भाई बाहर का, मस्त वाला नजारा देख सकते हो आप, चारों तरफ हरियाली हरियाली भाई। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हम निवाली बॉर्डर। तो भाई सोचा था हमने कि थोड़ा जल्दी चले जाएंगे घर, तो बाहर त्योहार है यार तो चले जाएंगे जल्दी से, लेकिन भाई टायर पंचर हो गया था इसीलिए लेट हो गए। तो क्या कर सकते भाई, किस्मत का काम है। तो अपनी गाड़ी का होरा भाई अभी काटा। तो ये रही 94 और भाई की गाड़ी है पीछे, मनसाराम भाई की गाड़ी, अपनी गाड़ी के बाद वो उसका काटा होगा। तो चलो काटा वाटा करवाते उसके बाद निकलेंगे भाई। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं घर पे और गाड़ी अपनी की भाई उस साइड में 94 और 86 भाई आके पहले से खड़ी थी, क्योंकि इसका माल सेंधवा का था। और बबलू भाई वाली गाड़ी भी खड़ी है भाई, बबलू भाई की गाड़ी भी यही खड़ी कर दी, वो रही 43-65, उसके आगे है 94-93 और इधर लगा ली भाई 86-80। और भाई सारे भाई लोग जा रहे है अभी हम, मोबाइल लेने के लिए। तो हमारा अनिल भाई जा रहा है लेने के लिए, तो बोले मैं मोबाइल लूंगा, मतलब ये लेंगे, ये बोले मैं मोबाइल लूंगा और चलो मेरे को मोबाइल दिलाओ। तो चलो इसको मोबाइल दिलाएंगे भाई। हमारी तो हालत खराब चल रही है अभी, क्योंकि भाई पैसे नहीं हमारे पास, तो हम तो ऐसे ही घिसा पिटा मोबाइल चला लेंगे। अभी गरीबी में गीला आटा चल रहा, क्या करें। लेकिन अपने अनिल भाई को दिला देते नया मोबाइल, तो अनिल भाई बोल रहे हैं कि लेने के लिए, तो ले लेंगे नया मोबाइल। तो चलो चलते हैं सीधा सेंधवा, मिलते हैं आपको। तो आ गए भाई सेंधवा, पहुंच चुके हैं और रेडमी के शोरूम पे आ गए भाई। तो रेडमी का मोबाइल देखेंगे अपने अनिल भाई के लिए, तो देखते हैं मोबाइल कौन सा चूज करते हैं अनिल भाई। तो फाइनली दोस्तों ले लिया है मोबाइल, तो ये वाला मोबाइल लिया भाई रेडमी मोबाइल, देख सकते हैं ये वाला है। और कलर है भाई व्हाइट कलर, जो अनिल भाई पकड़ना और मोबाइल का नाम बता देते भाइयों को। तो देख सकते भाई रेडमी नोट 11 SC।
ये वाला मोबाइल लिया भाई, यही वाला दिया है से। अपने अनिल भाई को दिलाया भाई। और हम तो भाई ऐसे ही खटारा मोबाइल चला रहे हैं। अनिल भाई को दिलाया नया मोबाइल, और इसमें कुछ कैमरा बताता हूँ मैं आपको। कैमरा बताना, चालू करना कैमरा। तो भाई पेमेंट वेमेंट सारा कर दिया हमने, बस घर जाने की तैयारी भाई। तो अंधेरा भी हो चुका है बाहर, देख सकते है भाई। तो जाएंगे भाई अब घर सीधा, और अपने अनिल भाई से लेंगे पार्टी। अनिल भाई देंगे ना पार्टी, मोबाइल लिया है कुछ देंगे। कुछ नहीं भाई, अपने साथ में चलता, अपना भाई है तो क्या करे, क्या पार्टी ले इससे। तो कुछ नहीं भाई, चलते अब घर। और मोबाइल लिया भाई, ये 11,500 रुपए का है। कितने का लिया? 11,500 का है भाई मोबाइल। तो आपको कैमरा बताता हूँ भाई, कैमरा बताना भाई। कैमरे के लिए मेन चीज तो क्या, कैमरे के लिए लिया है भाई मोबाइल हमने। तो देख सकते हैं भाई कैमरा कितना प्यारा सा है इसका, आपको मैं अंधेरे में बताऊंगा तो ये अच्छा दिखेगा, खास करके वीडियो बनाने के लिए भाई। वीडियो देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है।